लोकसभा चुनाव को लेकर राजस्थान में पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होने हैं। इससे पहले मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए राजनीतिक पार्टियों के नेता प्रदेश में लगातार चुनावी सभाएं और रैलियां कर रहे हैं। चुनावी अभियान को और धार देने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज राजस्थान के भरतपुर पहुंचे। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी रामस्वरूप कोहली के समर्थन में जनसभा किया। जनसभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में दुनिया में भारत की एक पहचान बन रही है। हाल ही में ब्रिटेन के एक अखबार ने दावा किया कि पाकिस्तान में 20 आतंकी मारे गए हैं। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि इन्हें भारत ने मारा हो, लेकिन एयर स्ट्राइक के भय से पाकिस्तान भारत के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल पा रहा। योगी ने कहा कि नया भारत है अपने नागरिकों को सुरक्षा देना और सीमा की सुरक्षा करना भी जनता है। अगर कोई सीमा की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश करता है तो राजस्थान में राम राम सा ही नहीं करते, आतंकवादियों और अपराधियों का राम राम सत्य करने का काम भी करते हैं। आगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा, चलिए सुनते हैं। बहनों भाइयों, ये नया भारत है। मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है। आज भारत का नागरिक कोई भी जाता है, दुनिया के अंदर उसका सम्मान होता है। सीमाएं सुरक्षित हैं, नक्सलवाद, उग्रवाद और आतंकवाद समाप्त हुआ है। 1952 में कांग्रेस ने एक तंत्र दिया था देश को, कश्मीर में धारा 370 के रूप में। यह आतंकवाद की जड़ थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने, गृहमंत्री अमित शाह जी ने आतंकवाद के इस तंत्र को सदैव के लिए उखाड़ करके समाप्त कर दिया। कश्मीर में धारा 370 समाप्त, पत्थरबाजी समाप्त। अब भारत की सीमाओं के अंदर कोई आतंकवाद को प्रश्रय नहीं दे पाएगा, नक्सलवाद को प्रश्रय नहीं दे पाएगा। नहीं तो कांग्रेस के लोग बेदम रहते थे, कुछ भी नहीं कर पाते थे, घुटने टेकते थे। एक तरफ द गार्डियन की रिपोर्ट जो कहती है कि चुन चुन करके आतंकवादी मारे जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, दुनिया इस आतंकवाद को बोझ मान रही है। और एक कांग्रेस थी, अपनी सरकार के समय बिरयानी खिलाती थी आतंकवादियों को। आप मुझे बताओ, ये आतंकवादी मारे जाने चाहिए कि नहीं मारे जाने चाहिए?